कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था, उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज, और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज यहां करीब 125 बॉर्डर विलेज के लिए रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है और 150 से अधिक गांवों में रोजगार से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ट्राइब्स में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए भी पहली बार हमने पीएम जनमन योजना बनाई है। आज मणिपुर में ऐसी जनजातियों की बस्तियों में आंगनवाड़ी सेंटर्स का शिलान्यास किया गया है। त्रिपुरा के साबरूम लैंड पोर्ट के शुरू होने से नॉर्थ ईस्ट को एक नया ट्रांजिट रूट मिलेगा, व्यापार कारोबार आसान होगा। साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली ये ऐसे काम है जो जीवन भी आसान बनाते हैं और कारोबार भी आसान बनाते हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, यह आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में, जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ उतना मैंने 1 दशक में करीब करीब किए दिया है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। आज ही अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है।